press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर और तालुका विधिक सेवा समिति किशनगढ़ बास की ओर से बच्चों को जागरूक बनाया जाएगा। ग्राम बम्बोरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता क्लब का उद्घाटन आज संपन्न हुआ। जिला सेशन न्यायाधीश अशोक कुमार व्यास द्वारा विधिवत फीता काटकर क्लब का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर अपर जिला सेशन न्यायाधीश शंकर लाल मारू और वरुण तलवार, प्राधिकरण सचिव दिनेश कुमार जलुथोरिया भी मौजूद रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित और पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर जिला न्यायाधीश अशोक कुमार व्यास ने कहा कि न्याय के बिना समाज अधूरा है और न्याय हर व्यक्ति का अधिकार है। उधर सचिव जलुथुरिया के अनुसार कानून की जानकारी हर घर और हर व्यक्ति तक पहुंचने की पहल विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई है। इसी कड़ी में विद्यालयों में विधिक साक्षरता क्लब की शुरुआत की गई है। उनको कानून का ज्ञान हो जाए, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज ये विधिक साक्षरता क्लब का उद्घाटन माननीय जिला सत्य न्यायाधीश महोदय के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ है। और मैं आशा करता हूँ कि जो उद्देश्य जो लेकर आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति आप भली भांति इस जब तक न्याय नहीं आता, जैसा भी हो रहा है, शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। वास्तव में न्याय की सबको आवश्यकता है। मैं फैसला अपने ऊपर ले लूं, आदमी को केवल रोटी की आवश्यकता नहीं होती है, उसे न्याय की भूख है। महाभारत की एक कथा है कि जब पांचों पांडव वनवास में निकल गए, अज्ञातवास में जा रहे थे, उस समय रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो एक सबसे पहले भीख कहने लगा कि मैं जाकर के पानी ले गया एक सरोवर के पास। लेकिन उस सरोवर का कोई मालिक था जो अदृश्य था, यक्ष था। उसने कहा, ठहरो, मैं इसका मालिक हूं, मेरी इजाजत के बगैर आप पानी नहीं पी सकते। और मेरी इजाजत है कि कुछ प्रश्नों का आपको